वेलकम बैक एवरी वन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबॉर्डिनेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 82 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 83, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रही हैं सबका प्ले लिस्ट बना रखा हो, प्ले लिस्ट का लिंक हर वीडियो के नीचे, हर टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख लेना। तो पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के किस शासक ने दिल्ली में विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था बताइए इनमें से, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने, जो तुगलक वंश का शासक था, दिल्ली में विशालतम कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक विशाल किला बनाया जिसे तुगलकाबाद कहा जाता है। इसके चारों ओर यमुना के बहाव को रोककर एक कृत्रिम झील का निर्माण उसने कराया था। क्वेश्चन नंबर टू है, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ बताइए? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ भारत में रेलवे लाइन का विकास? यह है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। टेलीग्राफ लाइन भी इसी के शासनकाल में और इसी ने ही की थी, और रेलवे लाइन भी। तो भारत में रेलवे लाइन के विकास का कार्य सर्वप्रथम डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1849 में भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला लॉर्ड डलहौजी भारत में तेजी से रेल लाइन बिछाने का पक्का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन या शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर है लॉर्ड कार्नोवालिस। देखिए, लॉर्ड कार्नोवालिस ने 1773 में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किया। इसे स्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा या फिर स्थाई बंदोबस्त का फादर है लॉर्ड कार्नोवालिस 1793। अब भारत में ये जो इस्तमरारी या स्थाई बंदोबस्त था, ये कहाँ था, कहाँ था, किन किन प्रांतों में था बताइए? ये था बंगाल और बिहार में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में था और बिहार में था। देखिए, कार्नोवालिस ने 1793 में हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में बंगाल और बिहार में, बंगाल और बिहार में इस्तमरारी मतलब स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका या किनका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? कौन कौन है अनाज भंडारण में जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग? तो हल्दी है और नीम की पत्ती भी है। देखिए, हल्दी में जो आपके किचन में रहती है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और नीम की पत्ती भी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दो, पहला और दूसरा मतलब। देखिए, नीम की पत्ती हो गई, हल्दी हो गई का विशेष रूप में जैव कीटनाशकों के रूप में अनाज भंडारण में प्रयोग किया जाता है, जबकि नीली हरी सवाल का प्रयोग खेती में बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। तो अनाज भंडारण में नीम की पत्ती और हल्दी। आपके किचन में देखा होगा, जैसे सर्दी के जो मौसम होते हैं, सर्दी का मौसम नहीं, अभी जो बरसात का मौसम हाल ही में चल रहा है, तो जो मसाला में बहुत सारी फंगस लग जाती है, जैसे हल्दी में फंगस लग गई, और जो पाउडर होता है, जो पाउडर बेस हल्दी होती है, जो कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची, उसमें फंगल लग जाती है। लेकिन अगर वहाँ आप नीम के पत्ते रख देंगे और उसको बॉक्स को बंद कर देंगे, तो वो कभी भी उसमें फंगल नहीं लगेगी बरसात के दिनों में। और जो सूखी बिना कुटी हल्दी जो होती है, वो भी जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग की जाती है, और बायो जैव जो खाद है उसमें नीली हरी सवाल का प्रयोग होता है। छठा प्रश्न है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है? टुंड्रा जलवायु प्रदेश को किस बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है? वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम या पर्वतीय बायोम बताइए। देखिए, टुंड्रा जलवायु प्रदेश को जो शामिल किया जाता है वो मरुस्थलीय बायोम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उत्पत्ति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ये बनाती है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट।
देखिए, सौर ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का केवल 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधों की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्कन ट्रैप का सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप का जो सेल समूह है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो यह है प्रवाह ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम। देखिए, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलते हैं, और संसार के कुछ भाग जो हैं वो हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रभाव से ढके हैं। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बृहत बेसाल्ट लावा प्रभाव क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? बताइए, लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? तो ज्वालामुखी से ही है। किससे है? ज्वालामुखी से ही है। देखिए, जब ज्वालामुखी लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो उसे कई आकृतियों का निर्माण होता है उससे, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्वेट डाइक। जो बैथोलिथ है यहाँ पर, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार के रूप में विकसित हो जाता है। लैकोलिथ क्या है? ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टाने हैं जिनका तल समतल वे एक पाई रूप भी बाहक नली के नीचे से जुड़ा होता है। तो इम्पोर्टेंट है बैथोलिथ और लैकोलिथ को याद रखिए, एक पाइप रूपी बाहक नली के रूप में नीचे से जुड़ा होता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? ध्यान देना, प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, एक अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो उल्का पिंड भी अप्रत्यक्ष स्रोत है, गुरुत्वाकर्षण अप्रत्यक्ष स्रोत है, चुंबकीय क्षेत्र भी अप्रत्यक्ष स्रोत है, भूकंप भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। तो सारे के सारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण, उल्का पिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप आदि। 11वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, इसको महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण कर देते हैं, जबकि यह महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है। 12वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? कौन था वो मध्यकालीन भारत का फारसी लेखक जिसको नायक का खिताब दिया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी, विज्ञानेश्वर, या अमीर खुसरो, या नक्शवी? देखिए, ये था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म सभी को पता होगा 1252 में पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, और इन्हें भारतीय होने पर गर्व है, इन्हें भारतीय होने पर गर्व था, होगा अभी तक। यह एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभी सभा में भाग लेते थे, इन्हें नायक के रूप में भी जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो से बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं उत्तर प्रदेश की PCS परीक्षाओं में। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो असत्य है वो, पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। करेक्ट है, पी तरंगे जो हैं वो ठोस में भी, तरल में भी, गैस, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। पी तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों जैसी नहीं होती है, पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। करेक्ट, यहाँ पर बी इनकरेक्ट है, दूसरा गलत है। देखिए, जो भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक तो पी तरंगे और एस तरंगे, बहुत बार पहले भी बताया टेस्ट सीरीज में। जो पी तरंगे होती हैं वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर पहुँचती हैं सबसे पहले। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के जैसी होती हैं, प्रकाश तरंगों के जैसी नहीं। ये तरंगे ठोस, तरल, गैस, तीनों माध्यम में चल सकती हैं, गुजर सकती हैं, मतलब याद रखना इनको, इम्पोर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल को नहीं व्यक्त करता, मतलब गलत है, सही युग्म नहीं है? तो गेहूं रबी है, धान खरीफ है, सरसों रबी है, अरहर खरीफ है, अलसी रबी है, मक्का खरीफ है, उड़द भी खरीफ है और सोयाबीन भी खरीफ है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसी फसलें जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु मतलब जून से अक्टूबर में उगाई जाती हैं खरीफ की फसलें कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये खरीफ की फसलें हैं। और ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में मतलब नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, टमाटर, सरसों, अलसी आदि रबी की फसलें हैं। 15वां प्रश्न है, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कार्बनिक खेती, इसमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद के उपयोग हेतु 50% का अनुपात सुनिश्चित किया जाता है, करेक्ट है। लेकिन हमको सही यहाँ पर बताना है ना, एक मिनट रुक जाइए। इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग उपेक्षित है, अपेक्षित है, इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वर्जित है। देखिए, यहाँ पर जो चारों प्रश्न पढ़ के जो इसका आंसर निकाला जा सकता है, वो ए निकाला जा सकता है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, लेकिन वर्जित भी नहीं है, गलत है ये। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इनमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक खेती जो होती है, किया जाता है, कम से कम किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वर्जित है और इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपेक्षित है। दूसरा इसमें करेक्ट हो सकता है, लेकिन तीसरा तो इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि 50% के अनुपात में लगाते हैं। देखिए, इसमें सी भी गलत है, इसका सी भी गलत है, इसका पहला भी गलत है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षित है, ऐसा नहीं है कि इसमें अपेक्षा की जाएगी, गलत हैं सारे के सारे। इसमें सही होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत कम मात्रा में कार्बनिक खेती में जो होते हैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो वर्जित है, तो ये तो गलत है। 50% के अनुपात में ये भी गलत है। अपेक्षित भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि कितना अपेक्षित है ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न आयोग करता है गलतियां, तो इनकी भी कर लीजिए प्रैक्टिस। देखिए, कार्बनिक खेती खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़क नाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। देखिए, बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि वर्जित है। तो उर्वरकों के अधिक प्रयोग से ये जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और इनका सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती और इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। तो 50-50 का रेशियो है, तो बिल्कुल गलत है। रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद फिर 50-50 पूरी तरह से वर्जित भी नहीं है, गलत है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षित है, ये भी गलत है, कम मात्रा में किया जाता है। तो इसका आंसर डी लगाइए और यहाँ पर कर लीजिए डी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चारा फसल है, बताइए। बरसीम भी एक चारा फसल है, जई भी है, सूडान घास भी है, सभी हैं चारा फसल है, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो बरसीम हो गया, जई हो गया, सूडान घास, तीनों के तीनों चारा फसलें हैं। इनका उत्पादन पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी, एक तो शिवाजी थे और इनके साथ थे जयसिंह, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 1665 में मराठा शासक शिवाजी और औरंगजेब का विश्वास पात्र सलाहकार जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। इम्पोर्टेंट है, इसको डेट के साथ याद रखिए। देखिए, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं रैदास के। देखिए, संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। इनकी रचनाएं राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इनके बहुत से जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित मिलते हैं। और एक प्रचलित कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इन्हीं के द्वारा कही गई थी। 19वां प्रश्न है, महमूद गजनबी किस राजवंश का शासक था? महमूद गजनबी किस राजवंश का शासक था? तो ये था अफ्रासियाब वंश का। किसका? ऑप्शन नंबर सी, अफ्रासियाब वंश। देखिए, महमूद गजनबी ने खुद दावा किया है कि वह ईरान का पौराणिक राजा अफ्रासियाब का वंशज है। उसने यह दावा तब किया जब फारसी भाषा और
या फारसी भाषा और संस्कृत गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। शाहनामा के लेखक बताइए, इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान प्रश्न है ये। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। तो देखिए 20 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से कर लीजिए इनका रिवीजन। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो पहले भी सुनेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिरदौसी की रचना है शाहनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और सामानी राज्य में राजभाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। और देखिए इस ग्रंथ में ईरान पर अरबों की जीत, जो सन 636 ईसा पूर्व ईस्वी के पूर्व के शासकों का चरित्र चित्रण वर्णन करती है, यह दोहों में लिखी गई है। दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद जो होते हैं ना, तो ये दोहों में लिखी गई है। तो 20 प्रश्न थे ये, सब्सक्राइब कर लेना सिविल सर्विसेज स्टडीज़ चैनल को, एक लाइक कर दीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं, सबकी प्लेलिस्ट में लिंक बना रखा है, और उसका लिंक जो है हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद।